हम कहते अब यहाँ की चिंता तुम छोड़ो, ये सब तो कुक्कन महादेवी और हम जमाए ली। तुम दोनों जाओ और अपन घर गृहस्थी का सामान सब लपेट के यहाँ ले जाओ। अरे अम्मा, बाद में ले आए, कौन सामान भागल जाता। अरे बिटवा, हम नहीं चाहते कि तुम हमका अकेला छोड़ के इधर उधर जाओ। अब तो ये तुमरा घर है बेटा, यही लिए कहते हैं जाओ अपन सामान ले आओ। ठीक बा अम्मा, तू जोर देता रू तो ठीक बा, चला जाता नहीं। हंसी खुशी जाओ, खुशी खुशी सामान बांध के हसत हसत वापस आ जाओ, लड़ियो ना ही। हाँ चली। सुनो, सारे टाइम मामा मामी के नाम का माला ना ही जपियो, गुस्सा ही जाएगा गुड्डू। गुस्सा ही जाए ना तो खोपड़िया नीचे करके हंस दियो, खुश हो जाइए। चलो जाओ जाओ। ये लड़का का हम कितना गलत समझ रहे हैं, इतना बड़ा हृदय दिए है प्रभु आई का कि दुनिया छोट पड़ जाई है। गुड्डू ना होत आज हमरी औलाद हमका रास्ता पर लाए रहत। अबे विष्णु पाड़े, अबे कन्नौज बा, ये अली प्लेला के रेगिस्तान बे खत्म ही ना हो रहा बा, सब नहीं विष्णु पाड़े तो रही कुलक्षण बा। अबे साली कल्सर वाली, हमार कौन कुलक्षण हरे, बकवास करल जा रहल बारू। अरे हम कहा था नहीं विष्णु, ये कल्सन वाली बिल्कुल ठीक कहत बाड़ी, ये सब तहार कैल गेल कुलक्षण बा। अरे तू ना घर गिरवी रखता और ना हमनी के घर से बेघर होकर पड़े। सारा फसाद की जड़ ये विष्णु नाम की रिक्शा है। चल तहाना खरखड़ावत ही रहला। हाय हाय सब जने इतर की जगह ना काए जहर मुंह से उगला ताड़ा, अब हमरा से चलल ना जा रहल बा। अरे पता तो हो की चाही कि हमरी लोगन की जाए के कहा बा। अरे विपरीत परिस्थिति में ही इंसान के पहचान होखेला, ये बात हम कठोरता पूर्वक कहत बानी। अगर आप चल सकते तो चली, नहीं तो आप कहीं और इंतजाम कर ली बेशक अपन। अरे हम रज्जू पांडे कहीं ना कहीं अपन आश्रय ढूंढ ले। आश्रय के कहा है पापा, रह के हम लोग मंदिर में भी रह सकेले। अरे हम कहा था नहीं कौन सा मंदिर के बात करत बड़ा। अरे कहाँ वा मंदिर, कितना दूर चलक पड़ी बतावा। ज्यादा दूर ना, आगे देखी ना उराल मंदिर। हम कहते नहीं मिठो जी भाई, हम ही जगह बहुत अच्छा देख ले वानी बैठे खातिर। अरे डायमंड, अभी जरा देखा था आसपास में पानी के इंतजाम हो सकेला का। और हाँ जरा ये भी पता करो कि मंदिर में भंडारा कब होई, जा जरा। अरे बाप रे। अरे आप लोग कहाँ बैठे बड़ा भैया, के बोल रहे बताओ कहिए डेरा जमा हो के। अरे हम कहते नहीं पंडित जी, देखिए हमरा और हमारा परिवार के साथ रहे के कोनो छत नहीं खे, यही खातिर हम मंदिर के आसरा ले ले बन। अरे भाई कुछ हो के हम यहाँ आसरा ना दे सके ले भाई। वो कहा ना पंडित जी, हम सब बहुत थकल हैं, एक दिन खातिर टिके दी ना। अरे भाई कहनी ना, हम यहाँ एक दिन खातिर भी टिके ना दे सके ला आपके। अबे पंडित जी, अबे का ये एक दिन फेक दिन लगा के रख ले बड़ा बे। पंडित जी कोनो डीएम के ऑर्डर है का जे यहाँ ना रह सके ले, या आप जज के स्टे ऑर्डर ले ले हैं भैया। यह खातिर ये आपके वकीले के खातिर ही आपके यहाँ रहे खातिर ना मिली, भूल गई नी ये मंदिर ठाकुर गिरधारी सिंह के बनवाइल है, उनकरा पर झूठा केस भेल रहे, आप ही ना बने ले रहे झूठा केस। तब से ठाकुर साहब कसम खा ले ले बड़े कि आपके और आपके परिवार वाला के गलती से भी कबो मदद ना करिए। हाँ उठाए सामान और जाइए यहाँ से। विष्णु
तू फाड़े। अबे साला ससुरा, अबे कन्नौज के हर आदमी के पिछवाड़ा में नबे, अबे दुश्मनी के चरम बोदे ला तू। मत तो करता ना, कि तेर सुन लाए के ना, अबे तोरे नाक काट दे नाक। अबे ससुरी का करता नू रे। अबे चुप कर। ए पंडित जी, अबे राम करा, हमने लोग ना अजस शांति से रहो। हाँ, अगर तू ना रख पता हमने लोग कहाँ जाए। देखिए क्षमा करी, आप सब शांतिपूर्वक यहाँ से चल जाए, नहीं तो हमके गिरधारी सिंह के खबर करे के पड़ी कि भैया आके निकलवाई है आपके। अरे रज्जो भाई साहब, एक बात आप कान खोल के सुन ली, ये बात कानो कान केहू के पता ना चले के चाहिए कि हम सब यहाँ चुपचाप चाय पी आये है, समझनी। अरे हमरा लगे अपना चाय खातिर पैसा ना, तो उकरा सब के हम कहाँ से पी आई। अरे हम कहते नहीं विष्णु, तू बिल्कुल वकील के पेशा वाला बात कहले बड़ा। अरे भाई हम ये सोचत रहनी, अरे का जरूरत बा उन लोग के बतावे के। आज हम सारा मामला यहाँ सेट कर दे, रोज यहाँ आई चुपके से कचहरी लगाई और उधार के सारा सबूत मिटाई और धर्मशाला में जाके चुपचाप सो जाई। बंटू भाई साहब समझ गए नी ना? हम तो समझ गए नी, लेकिन हमार बिल्लो रानी के काम। एक काम कर लिया, हम बिल्लो रानी के लिए आते चुपके से हना होल्ड करके। अगर बिल्लो रानी के यहाँ लाइव ना, तो आप एक काम करी, आप भी कल से ना धर्मशाला में ही रही, यहाँ हमारा साथ आके चाय पिए की कोनो जरूरत ना आपके पत्नी के भक्त कहीं के। रजू भाई साहब, इनका नाम बंटू ना, बंटाधार होवे के चाहिए, ई बंटाधार करी है, समझाई इनकरा। अरे हम कहते नहीं बंटू, तू कोनो भी काम ठीक से काहे ना करेला, ई गरीबी में चाय पिए के परम आनंद मिलत बा, अरे वो आनंद का उठावा। अरे तू बिल्लो का काहे लिया उला बीच में। अरे हम कहते नहीं अगर दो दिन तक बिल्लो चाय ना पी तो मर जाएगा। अरे हमके देख, अरे हम मिठो जी के ना बतैनी, जबकि मिठो जी के हर रोज सुबह लोटा भर के चाय पिए की आदत बा। ठीक है, दुख तो बहुत होई, जब आप कहते नहीं तो ना बताए बिल्लो रानी के चला। अरे चाय वाला ना, अरे भाई चाय वाला, चाय बगान में चल गेल रे लका चाय लावे। हाँ बेटा, और हाँ सुनो, ये चाय के पैसा हम कल देवा। कौनो बात ना साहेब, आप पैसा कल दिया, चाय पी ली। हाँ ठीक है ठीक है। अरे बदतमीज गधा, सारा कपड़ा खराब कर दिला हमार, रज्जू पांडे के आज एक भी अदरक के चाय नसीब ना भाई। अरे साला मिला तू तो के अदालत में घसीटब। अरे कहाँ कहाँ से चला बोले तो भैया, बिल्लो रानी के सामने कैसे जाए ऐसे गंदा कपड़ा में, लगता ही बिल्लो रानी के साथ दगाबाजी करे के नतीजा। अरे आप चुप रहे बंटू भाई साहब, बिल्लो रानी से दगाबाजी करे के नतीजा साला ऐसे ही फांसी पर चढ़ गई। अरे साहब आपके ही देखो देलस कैसन गड्ढा भाई, सारा कीचड़ ग्राहक के ऊपर आवला। साला को चाय रहे वो आज नसीब ना भाई, ना आज हा और ना आप आगे कब होई। ये है आप लोगन के लक्षण, जिन गरीबी के गड्ढा आप लोग खोद ले हो ना, उमें गिरे हो आप लोग। तो कहावत तो सुन ले हो ना आप लोग कि जो दूसर खातिर गड्ढा खोदे ले वो खुद उहे गड्ढे में गिरे ले। का हुआ कुटू जी? है ना उनकर मूड के कुछ पता ना चला था, पता ना उनकरा अच्छा लागल की बुरा। वैसे हमसे पूछनी था कि हम साड़ी का है बदलनी, अब हम का कहती, हम बोल देनी बस यूं ही। अरे छोड़ी दीदी, कुछ कहलो के चाहे ना कहलो के, लेकिन गुड्डू जी कम से कम आपसे पूछ ले तो सही। एकर मतलब तो ई है भाई कि गुड्डू जी आपके बारे में जरूर सोच रहल बड़े, आप पे ध्यान दे रहल बड़े। हाँ, और आपके पास इतना करे के हो कि आप उनका ध्यान तोड़ी ना। का ध्यान मत टूटे दिया,
ऐसे हर घड़ी साड़ी बदलब और बोलब थोड़ा और खाई थोड़ा और खाई थोड़ा और खाई, तब उनकरा लागे कि जैसे हम कोनो बात मनवावे के चाह रहल हैं, और अगर गुस्सा हो जाए तो लेनी के देनी पड़ जाए। कुछ लेने के देने नहीं हुई है, अब जैसन देवी बतावत है वैसा ही करो। दीदी अब आप ना ऐसा करिया कि आप साड़ी बदल दिया। हाँ गुड्डू जी की शॉप में जाके कहिया चाय ली। ना देवी अब हमसे ये सब ना होई, हम के ऐसा लग रहा ला जैसे ये सब हमारे स्वभाव के एकदम उलट है। बहुत ही अजीब सा लग रहा ला, जैसा लग रहा हम कोनो कोनो बचकानी बेवकूफ हरकत कर रहा है। तो के ये सब चीज पे बहुत ही भरोसा रहे ना, तब हम तो हर बात मान लेनी। अब हम के देखा हम के पुरान रिंझुन रहे था, हम बहुत थक गए हैं, अब ना कर पाए। घर के देंगे ना सब थकान निकल जाए। चलो जल्दी से कपड़ा बदलो। अरे अम्मा बाद में ना, अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो फिर ये मत कहिया कि हम आपके बताए नहीं ना, ठीक बा? रंजन रंजन बिटिया रंजन। अरे मिट्ठू दीदी आप ही गला लगाई कर रंजन के। तू आ गई ले रंजन। अभी हम लोगन के देख के तरह तरह सारल बा। अरे रोवे के समय था हमनी लोगन के बा, अरे हमनी लोगन की किस्मत में अब रोना ही लेकल बा, काहे कि हमनी लोगन घर में ऐसा कहले बानी। लेकिन तू अपन आप के तकलीफ मत दा बिटिया, ना दा तकलीफ। सही करले मिट्टू दीदी, ए रुजुन हम सब लोग कहां कुछ गलत कहनी तुहार साथ, हां और तू भी हमने के साथ कुछ गलत ना कहले रुंजुन। लेकिन तू भी का करतू रुंजुन, मुझे तुहार गुड्डू शुक्ला है ना, उहे हम सब लोगन के ना पसंद करा था और तो के भी हमने के ना पसंद करेगी ही पड़ी ना। वैसे भी रुंजुन हम सब लोग तुहार खातिर कहले भी का। हां हां बिल्ला दीदी एकदम सही बात है। अरे रुंजुन बिटिया देखो हमने लोगन भूखे मरे चाहे प्यास से, लेकिन ना अबे धर्म होवे के चाहिए। हाँ अबे इंसानियत भी इंसानियत बना ओकर ऐसन के तैसन। ए रंजन बिटिया अबे हमने लोग बहुत बड़ा पाप कहले बानी, तो हमने लोगन के ना अबे सजा मिले के चाहिए। अबे अबे तू काहे के दुखी होता डू काहे के। मामी ऐसन बोल काहे बोल रहे हैं आप, हमार ही लगाव में कमी रहे, ना ही हम गुड्डू जी के ये बात खातिर राजी कर पाएंगे और ना ही आप लोगन के तकलीफ दूर कर पाएंगे। हम कहा तने रंजन बिटिया देखो हम मानत नहीं, तू अपना तरफ से पूरा कोशिश कर लो लेकिन गुड्डू ना पिघलल, आप पत्थर कहीं पिघले ला का एमे तुहार कोनो गलती नहीं क्या बेटा। भैया आप बिल्कुल सही खास बने और जॉन बिल्लो रानी खाली है वो बिल्कुल सही रहा। अब एमे रंजन के का कसूर है, हम सब जे गलती कैली सजा भुगत रहले हो और पांडे निवास में रहे वाला से हमार का वास्ता। मामा गलती आप लोग कैले हैं लेकिन डायमंड और बबली ये लोगन के कौन बात की सजा मिल रहा बोली। बबली के स्कूल जाए के चाही लेकिन वो सड़क पर भीख मांग रहा और डायमंड के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे के चाहिए, वो मंदिर के सफाई कर रहा। बोली कौन बात की सजा मिल रहा ये बच्चा लोगन के। हम कहा था ने रंजन देखा बेटा हम आओ चाहत बने कि डायमंड अपन इंजीनियरिंग के पढ़ाई करे और बबले भी स्कूल जाओ, लेकिन बेटा तू तो देखते भाड़ू अब हम मजबूर बानी। अब हम काम करल भी चाहिए तो हमके काम के दी। अरे बदनामी के ऐसा थप्पा लागल है हमरा मुंह पर कि लोग भागत है हमरा से। हमार बबली भीख मांगत है तो मांगे। ये कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोगन के ये हालत में देख के तकलीफ हम के हो रहा है। बस बहुत हो गई, अब आज से ना पैसा खातिर बबली सड़क पर भीख मांगी
और ना ही डायमंड मंदिर की सफाई करी। आप लोगन की जोन भी जरूरत है, हम पूरा करब। हम कहते ने रंजन, अरे दया मत दिखावा हमरा पे, काहे हमरा खातिर गुड्डू से दुश्मनी मोल लेत बाड़ू। तो आप लोग पाल पोस के हमके बड़ा कहले, दया दिखाईली हमरा पर। हमार बात आप लोग ना सुन अपना तब बस ठीक ना होई। आज से हम आप लोग खातिर खाना लाइब और यहाँ के किराए भी हम ही दे। ना दीदी, हम लोग जौन हाल में हैं, हम लोग इनके उहे हाल में रहे दा। हम ना चाहते कि ये लोग फिर आपके भाग्य के गलत फायदा उठावे। ये लोग इनके पहले हम भी ना समझ सके नहीं, आज तक ये लोग इनके साथ मिलकर हमेशा आपके साथ बुरा व्यवहार कहने दीदी, लेकिन फिर भी आप हमके कभी कुछ ना कहने चल जाए दीदी। अरे पगले, अपना कुछ बोला था तब उनकर बात के पूरा थोड़ी ना मानल चला। ये लोग तुहार मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं, इनकर बात के बुरा मत माना। बहुत फर्क रहा ना हमारे साथ और आपके साथ इनकर व्यवहार में। हमार विनती है आपसे दीदी कि आप ही दलदल में ना फंसे, चल जाए दलदल से, ना तो इन लोगों के व्यवहार फिर से वैसा ही हो जाए जैसे पहले रहे। खाना खाई हम, गुड्डू चिपी तो ना खाई ले हुई है, नाराज है हमरा से, लेकिन आखिर हम करी का। डायमंड बबली मामा मामी के ऐसे मुश्किल हालात से गुजरत देख के भी अगर हम उनकर मदद ना करती तो काई ठीक हुई था। आज कम से कम केहू के यहाँ पर ये फिक्र तो ना है कि खाना मिली कि ना। गुड्डू जी, आप अपन जगह पर ठीक है, हम मानत है अपराध की सजा तो मिली के ही चाहिए, तब मिल गई ना उनकरा के सजा। वो लोग आज शर्मिंदा है, पछता रहा है अपन कल पर। गुड्डू जी, अब गुस्सा ही हमके पता है, लेकिन समय के अलावा केहू के पास इस समस्या के हल ना है, हमार पास भी ना है, हम मजबूर हैं। हमके पता है रंजन दीदी, गुड्डू जीजू से अलग रहकर आप अपन आप के सजा दे रहा है। हम लोग के फिर से सोच लेवे के चाहे, और अगर हमसे कहवा तो हम बिल्लो रानी के सलाह लेवल चाहब। ऐसा है बंटू भाई साहब, इस दुनिया में उहे आदमी सही होला जे कबो भी अपन गलती ना माने ले। आप इस सोचल छोड़ी ना, जे कुछ भी है ना आज यहाँ दाव पर लगा देते हैं। हाँ, रंजन के भाग हमार साथ में है, अरे हारे के सवाल ही ना है, सिर्फ जीत ही जीत है। दस का सौ बेगम पे। अरे भैया, सबसे सस्ता वाला चाल कितने का लगा सकल जला? 10 के। विष्णु, बिल्लो रानी की कसम, हमनी के 10 रुपया से शुरुआत करी जाए, कहे की सावधानी हटी नहीं तो दुर्घटना घटी नहीं है ना, और अगर घटी भी तो हमार साड़ी के एक एक तह के तेरे घटी। बंटू भाई साहब, अब आप पहली ना सही लाइन पे, जल्दी करो यार, फटाफट पैसा डाल, क्या करत बड़ा। हाँ, लगा रहे हैं। हम के भी लगाओ क्या ना। हाँ, केकरा पर लगाई? हाँ, 10 रानी पे। हमार भी 10,
ये रानी पर। हे रुंझुन देवी, देवो की देवी, धन की देवी, भागो वाली रुंझुन, तो हर जय हो, जय हो, जय हो। देखला रुंझुन के बाग हमारे साथ में हो। बाग इसने सोसो के दुदु को हरा रहा नोट। कंगाली के कैद से रिहाई के ऑर्डर आ गई ला। आप पूरा दिन कही सिर्फ नोट गिने के दिन शुरू हो गई। चली चली वापस दा लगावत है बैगम पे 10 रुपया हमार भी रानी पे। हाँ गुट्टू बेटा, हमरी बात सुन लो। गलत लागे तो गुस्साई हो। देखो बेटा, अपन आपको ऐसी सजा देकर का फायदा? के कलेस के हम अपने आप के सजा देता नहीं। अम्मा सब ठीक तबा? कुछ ठीक नहीं है। तुम हो जानत हो और हम हो जानत है। अरे हम जानत है कि रुंझुन मत मार प्राण बसत है। ओके बिना तुमरा मन नहीं लागत। तुमको का लगत है कि हम ये बात नहीं समझत है? रुंझुन मत मार प्राण बसत है। ओके बिना तुमरा मन नहीं लागत। तुमको का लगत है कि हम ये बात नहीं समझत है? ऐसा कुछ नहीं किया अम्मा। कैसे कुछ नहीं है? अरे जब से रुंझुन गई है ऐसा लागत है कि तुम हो घर में नहीं हो। अरे जितना तुम तड़पत हो ना बिटवा, उससे कहीं ज्यादा वो तड़पत है। जब से वो गई है ये घर, ये कमरा सब खाली खाली लागत है। का बेकार के बात करता रहूं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं किए। देखो बिटवा, हम जानत है कि रुंझुन बहुत ही गलत की है, तुम्हारे मर्जी के खिलाफ काम की है, लेकिन ऐसा रूठ के रहने से कोनो फायदा नहीं है। ऐसन मामा, रूठल उठल गई भाड़ में हमके कोनो फर्क ना पड़ेगा। अबे देख के ना चल सके ले का? गुड्डू जी, अरे सुना नटंके, बिकावे तो आज झलर रह गई बा। रखा रखा तू ही रखा, हमने के पास बहुत बा। कावेल दीदी, डायमंड, गुड्डू जी यहाँ आयल रानी। बाकी जीजू यहाँ कहा है ही?
आपके भ्रम हुए दीदी। हाँ तू शायद ठीक कह रहल हो, हमार भ्रम ही हुई। वो भला यहाँ काहे आई हैं? अच्छा ही यहाँ ना आए, हम कैसन हालत में देखिए तब बहुत ही परेशान हो जाइए। हम कैसन काहे लग रहा कि गुड्डू जी यहे रहे, गुड्डू जी हमारे आस पास होता ही तब भी हम कैसन एहसास हो खेला। जब आज तक ये एहसास भ्रम ना साबित भइल तो आज कैसे भ्रम हो सकेला हमके। भले ही आज हमसे दूर रहे लेकिन हमार मन से कबो दूर ना भइल, उनकरा से हमार लगाव ही तह जे हमके अभी तक बचा के रखले हा, उनकरा से हमार प्यार ही तह जे हमके जिंदा रखले हा। सौ नफरत करे वाले पर एक प्यार करे वाला बहुत भारी पड़त है। तेरे माँ बहुत ताकत होत है। हाँ सुन रही हो कि नहीं हम कब कह रहे हैं? हाँ हाँ माँ सुन रहल बानी। अरे संभाल के भाई, तुमका कितनी बार कहे ये हालत में भारी चीज नहीं उठावे कर। अरे अम्मा ठीक बा, आराम से करो। हाँ तो हम का कह रहे थे कि प्रेम माँ बहुत ताकत होते, दुनिया की कोनो ताकत कोनो झंझट झमेला दो प्यार करने वाले को अलग नहीं रह सकत है। अम्मा आप का कह रहल बानी, हमरा समझ ना आ रहल। अरे गुड्डू और डुंझू एक दूसरे से बहुत प्यार करते है लेकिन केहू के बतावत नहीं। अब देखो ना गुडुआ यहाँ कितना परेशान रहते है, एकदम तिल मिलाए रहता है कि रुनझुन कहाँ करत हुई है, कहाँ सोत हुई है। और उधर रुनझुन जब देखो तब फुना फुना के हमका नहीं पूछत रही कि गुड्डू कहाँ करत है, वो खाना खाए कि नहीं, वो सोए कि नहीं। दोनों को एक दूसरे की फिक्र रहते है। लेकिन अम्मा का फायदा, दोनों के दोनों एक दूसरे की बात माने खातिर तैयार ही ना हो खेले। अरे तुम चिंता नहीं करो, ज्यादा दिन दूर नहीं रही हैं ये लोग। देख लियो वो जाके झुनझुन को ले आई। भगवान ये हालत में हम इतना कम करल बनी, ऊपर से हमारे सारा मेहनत पे पानी फेर देला। अरे अभी सारा काम हमरा के दोबारा करे के पड़ी। तनी बाल्टी का गिर गयी तो हर मुंह खुल गयी बोले खातिर हूँ का समझेलू अपना आपके, ससुर एक बार साफ कर देबू तो हर हाथ पैर घिस जाई का। ससुर फोकट के खाना खाए की आदत पड़ गयी बस सबके। का कहनी आप, का कहनी आप? हम यह कहनी कि तुहरा फोकट के खाना खाए की आदत पड़ गई बा, एक बार दोबारा पोछा लगा देबू तो तुहार हाथ पैर ना घिस जाई, समझ लू? बस चीजू बस बहुत हो गए, आगे आखिर आप समझे लेगा अपने आपके। हाँ इतना नखरा केकरा दिखा रहे बनी, कौन बात की घमंड में आपके। ए देवी का करत हो, चुप हो जा, जबान नहीं लड़ाओ। अम्मा बोले देख रखे, हम भी तो सुनी का बोले चाहत बड़ी। हम कहे ना बोलम, हम तो जरूर बोलम, हम तो यहाँ फोकट के खा ली, फ्री के खाना खा लिया। और आप तो जब चाहे चिल्ला के आ चले, कभी पी के चिल्लावे रे कभी बिना पिए चिल्लावे रे। अगर आपके इतना ही चिल्लावे के बना तो जाके दीदी के सामने चिल्लाएं। अरे वो बर्दाश्त कर सकेली लेकिन लेकिन हम ना बर्दाश्त करे के पड़ी, तोरा समझ में आवत बा? रंजन 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 हमरा पास आ जा रंजन, हम ना रह पाए तोहरा बिना। ओ धर्म पत्नी हमसे दूर कहे जाता रू, ससुर बहुत प्यार करे ली तोहरा के, ना रह पाए तोहरा बिना, ना रह पाए तोहरा बिना, हम ना रह पाए, हमरा पास आ जा। मोहब्बत के चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रहा है छप्पो मिया, इससे पहले की विकराल रूप धारण कर ले और एकर पता रुंझुन भाभी के चल जाए एकरा ये बुझावे के पड़ी। ताकि 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 ता
गिना नगिन था टिक ता ता टिक ता गिना नगिन था टिक ता ता टिक ता ता तगिन था ता ता तगिन था ता ता तगिन था। हमार मतलब है कि हमार गुड्डू भैया के शादी हो चुका था। उनकर नाम है रुंझुन भाभी और हाल फिलहाल वो गुड्डू भैया के धर्म पत्नी ना कर्म पत्नी है सब कुछ। तो बेहतर हुई कि आप भैया से दूर रहें। हमार अनारकली रुक का गईली। ओ कुछ ना मास्टर जी, ऐसे ही बस आज दिल ना कर रहल बा। आज दिल ना कर रहला, दिमाग खराब कर देली। सही फोन के बिना लोग मन के उड़न खटोला बना देले बा। जब जी में आवता घंटी बजा देवेले। हेलो, के बोल रहल बा? अनारकली जी, हम बोल रहले गुड्डू भैया के दोस्त जप्पू। कल रात क्या रहे ना उनका साथ आपके यहाँ? हाँ हाँ, पहचानी पहचानी। बोला का काम बा? का बताए आपके? कल पूरा रात गुड्डू भैया सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में हमरा से बात करते रहे। सच? आपसे अच्छा डांसर थे पूरा दुनिया में है ही ना। और जिद करा ला कि फेनू फेनू से आपके डांस देखल चाहता है। ता अगर आप कहीं तो आज शाम के हम दोनों आदमी आपके डांस देखे आई। अगर एक कलाकार के ओकर असली कदरदान मिल जाए तो एकरा से अच्छा बात और का हो सकेला। हम ये पूछे खातिर फोन के लिए रहे कि आज आपके प्रोग्राम कहाँ पर हो रहा है? रेलवे फाटक के पीछे पुराना पोस्ट ऑफिस के बगल में। ठीक है, हाँ मां गुड्डू भैया दोनों वहाँ पहुँच जाए। हाँ हाँ जरूर, हम इंतजार करें। मास्टर जी, आज बस ऐसा बजाए कि हम नाचते नाचते पागल हो जाएं। पागल हो जाएं हम। माशाल्लाह, बजावा का बस सवेरे सवेरे भिखारी के लाइन लगल बा हमरा घर के आगे। भगाओ ससुर के यहां से। एक कम करा, छुट्टा पैसा दे और भिखारी लोग के भगाओ यहां से। आहे गुड्डू, अरे हमने लोग घर में ऐसा कहले बानी, अरे के बहुत दुख पहुंचले बानी ना। बहुत अच्छा करत अड़ा हमने लोगन के साथ में। जितना मन करे उतना उतना बेइज्जती कर ले। बाकी तोर आगे हम हाथ छोड़ता नहीं। हमने के रुंझन के जिंदगी बर्बाद ना करा। माफ कर दो ओकरा के, बुलाए ला अपना संगे रख ला। अरे उतारा से दूर ना रह सकली। हमारे रुंझन के अपना ली ना, ओकरा अपना से दूर मत करा गुड्डू जी। हमारे रुंझुन बहुत प्रेम करेली आपसे, सच्चा प्रेम करा था। मन से एक हो के बिना काहे दूर दूर रही आप दोनों एक दूसरे से गुड्डू जी। गुड्डू भैया के दिल कहीं पिघल ना जाए, रोके के पड़ी गुरु। देखी आप सब खामे खा परेशान हो रहा है। भैया अपन फैसला कर चुकल बाड़े, भैया के केकरा साथ रिश्ता रखे के है, केकरा साथ रिश्ता तोड़े के है, इस बात के फैसला भैया खुद करिए।
ससुर एक बात कान खोल के सुनला, हम रुंझुन के माफ ना करब।